हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मछली जाल में आ गई चाणूर, मछली जाल में आ गई। हाँ। नगर में घुसते ही होकर जीवन लीला समाप्त कर दी हल जाए। क्षमा करी महाराज, ऐसन कैल बुद्धिमानी ना हुई। हाँ। काहे ओकर कई को कारण बा? का कारण हो सकेला? पहला तो ई कि सगरे नगर में ही सूचना फैल चुकल बा कि अक्रूर के संगे कृष्ण मथुरा आ रहल बाड़न उत्सव देखे खातिर। यहाँ जे ग्वाला दूध बेचे खातिर आवेलन वो लोग ही समाचार चारों तरफ फैलेले बाड़न, और ना मालूम कैसे लोगन के ए बात के भी सूचना मिल गई हा कि कृष्ण नंद के बेटा ना हा बल्कि देवकी के आठवां बेटा हा। बस ए समाचार के मिलते ही जनता में जैसे फिर से एगो नया जोश पैदा हो गया। जोश कैसन जोश? वह पुराना बात कि यदि देवकी के आठवां बेटा हा तो यह तारण हार है जेकर उनका बरिसन से प्रतीक्षा रहे। फिर वह तारण हार ते तारण हार के नाम लेवे का ओकर जीभ ना काट सकेला? तो काट सकेली, उस सब के जीभ काट सकेली हम। बाकी महाराज आप ही मत भुलाई कि यह समय आपके निमंत्रण पर दूसर कई प्रदेश के राजा और सरदार युवा आयल बढ़न, उनका अलावा बाहर के राज्य से हजारों लोग यहाँ के उत्सव देखे खातिर मथुरा के बाजार में घूम रहल बाड़न। उनका यहाँ रहते उनका राख के सामने हम मथुरा वासियन के कैसे दमन करब? चारों ओरी एगो ऐसन भयानक उपद्रव फैल सकेला कि फिर ओकरा संभारल असंभव हो जाए। फिर हम अपन शत्रु के कैसे मार सकब चाणूर, कैसे मार सकब? महाराज थोड़ी का धीरज से काम लेही, यू उतावली के ना धीरज के समय है, धीरज के थोड़ी का सोची। आपके परम शत्रु ए समय स्वयं चल के
आपके जाल में फंसे खातिर आ रहल बा। ओकरा शांति से अंदर आवे दी। ओकरा आवते मथुरा वासी चारों ओरी से ओकर दर्शन करे खातिर उमड़ पड़ी हैं। उनका खुश होके दी उ लोगन के ओकर जय जयकार करे दी। जनता ओकर जय जयकार करी और हम हाथ पर हाथ धरले चुपचापी तमाशा देखत रहे। ना महाराज, चुपचाप तमाशा मत देखी, बल्कि आपन ओरी से भी आपके मंत्री ओकर एगो राजकुमार के लेखा ही स्वागत करे। ओकरा आज के रात एगो सुंदर अतिथि गृह में ठहरावल जाई। जनता के जोश घड़ी भर के होखेला। ओकर ए तरह स्वागत सत्कार होखत देख के मथुरावासी शांत हो जाई हैं और चुपचाप आपन आपन घर में जाके सुत जाई हैं। फिर तक कई गो तरीका बा महाराज। समझ गए नी जानूर, समझ गए नी। रात के अंधेरा में अतिथि गृह के अंदरे ओकर हत्या कर दिहल जाए। फिर वह उतावली। महाराज, हमरा पास ऐसन सुंदर सुंदर चाल बा जैसे दिन के उजाला में सगरी प्रजा के सामने ये काम ए तरह से संपन्न हो जाए और केहू भी आप पर शक के अंगुली न उठा सकी। कैसन चाल? पहला तो ई कि आपके हाथी कवल्या पीट के आज पूरा रात मदिरा पिया के मदमस्त कर दिया जाए। जैसे जब भोरे कृष्ण रंगशाला जाए खातिर नगर के चौक से गुजरे तो वो पागल हाथी के ओकरा पे छोड़ दिया जाए। पलक झपकत ही वो हाथी आपन सूड़ में लपेट के पैर के नीचे कुचल दी। शायद वो वहां से भाग भी जाए। रंगशाला होते आपके वो पहलवान जिनका में 100-100 हाथी के बलबा ओकरा वीरता दिखावे खातिर अखाड़ा में ललकरी हैं। और यदि वो लड़े से इनकार करी तो लोगन के नजर में गिर जाए कि कैसन तारणहार बा जे एगो पहलवान से भी ना लड़ सकेला। और यदि वो लड़ल स्वीकार करेला तो ओकर मृत्यु निश्चित बा। महाराज, आपके पहलवान में अकेले मुष्टि इतना बलवान बा कि एक ही दाव में ओकर शरीर के चिथड़ा उड़ा दी। दूसर पहलवान के तो बारी ही ना आई। और इस सब आपके आंख के सामने हुई, जनता के आंख के सामने हुई। शाबाश शाबाश चाणूर, शाबाश। एकरा कहल जाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी महाराज, ये संचाल बा कि एक तीर से दुष्कार। पहला बात ही जौन शत्रु से आज तक आप भयभीत रहीं वो खत्म हो जाए। और दूसर बात, जब लोगन के सामने कृष्ण के टुकड़ा हुई तो इतना बरी से उनकर मन में जे विश्वास बा तारणहार खातिर, जे श्रद्धा बा, वो विश्वास उस श्रद्धा भी खत्म हो जाए कृष्ण के संगे। उत्तम, अति उत्तम। काका 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 उ आ रहा है। के तारणहार? के तारणहार? हम लोगन के तारणहार, देवकी के अठवां बेटा। सच? देवकी के अठवां बेटा? हाँ, अठवां बेटा कृष्ण, उनकर नाम कृष्ण है। कृष्ण? हाँ हाँ, देवकी के अठवां बेटा। काओ जीवित बा? हाँ, ओकरा गोकुल में लुका के रखल गई रहे, सुनले हैं अक्रूर जी उनका संगे लेके अवतारण। काका, ये तो गोकुल वालन कमाल कर देलन। का भाई? कितना बरिस तक वो लड़का के लुका के रखलन? अब वो लड़का ना रहल, तरुण हो गई है तरुण। आज ही गोकुल के दुगो ग्वाला मिलल रहल, कहत रहल कि वो इतना सुंदर बाड़न कि तीनों लोक में ऐसन छवि देखे के ना मिली। अरे भाई, भगवान के अवतार बा, छवि तो देवता जैसन ही होई। अरे देवता जैसन ना, भगवान जैसन कहा, भगवान जैसन। भगवान तो ऐसन होखेलन
कि जेकरा सामने देवता भी नतमस्तक हो खेलन। आ हमार का सौभाग्य है कि आज वो अलौकिक छवि के अद्भुत दर्शन होई। इस सोच सोच के ही हमके रोमांच हो रहल है। अब ही बस, अब बिक्री ना करब, दुकान बंद करत हैं हम। कहे आज हमार तारनहार आवे वाला बड़न, उनकर दर्शन खातिर चौक जा रहल है। सुन ले हैं, उनकर रथ ओहर से ही निकले वाला है। एकर दाम? अरे पैसा काल दे दी है भाई, अभी हमरा पास समय नहीं है। अरे मुनुआ जी, जल्दी से सामान अंदर रख, दुकान बंद कर दे, तारनहार के दर्शन करब। अरे अरे अब दर्शन खातिर यहाँ के ठाड़ हो गई लो, केहूँ फूल के इंतजाम कैले हो कि ना? जब वो यहाँ से निकली हैं, तब उनका पर फूल के वर्षा ना करबू का? सुखमनी जल्दी जल्दी कर, रथ आवे वाला है, ठहरा टोकरी तो भर ले। अरे 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 अरे, ई तू लोग का करत अरु, सगरे फुलवारी उजाड़ दिहिलू। अरे जानत नहीं खू, ई महाराज कंस के फुलवारी है, इहवा फूल तोड़ल मना है। होई महाराज के फुलवारी, बाकी आज हमके फूल तोड़े से केहू ना रोक सकेला। काहे ना रोक सकेला, हम अब वहीं सैनिकन के बुलावत हैं। बुलाला बुलाला, अब महाराज के सैनिक से केहू ना डराई, आज हमार तारनहार आवे वाला बड़न। के आवे वाला बड़न? हमार तारनहार। के तारनहार? तारनहार, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण? कृष्ण आवे वाला बाड़न? हाँ हाँ, कृष्ण आवे वाला बाड़न। अरे ये तो महाराज कंस के माली बाड़न, इनका का पता कृष्ण के और तारनहार के? चला भागा ना, तो सैनिकन के बुला ली है। आ गेली प्रभु, हमार प्रणाम स्वीकार हो। ओ देखी, मथुरा नगरी के प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। आहा, कैसन पवित्र नगरी है, कैसन दिव्य स्थान है। जी अक्रूर जी, यह नगरी के मधुरा नाम के एगो राक्षस बसेले रहे, शिव जी के बहुत परम भक्त रहे। ओकरे नाम से ये पहले मधुरा और फिर मथुरा नगरी कहे लागल। असल में ये पूरी धरती भक्तराज ध्रुव के तपोभूमि रहे। युवा वो महान बालक ऐसन घोर तपस्या कैले रहे कि स्वयं भगवान के आपन चतुर्भुज रूप में उनका सामने प्रकट होके के पड़ल। ऐसे धरती के कण कण में एगो दैवी आभास बा। अयोध्या, अवंतिका, मायापुरी, काशी आदि जे सात गो मोक्षदायिनी पुरी है, उनका में एगो मथुरा नगरी भी है। ऐसे यह पवित्र धरती के प्रणाम करें। सारथी रथ रोकर। मथुरा नरेश के ओरी से राजकुमार कृष्ण के स्वागत बा। महाराज के आज्ञा से एगो विशेष अतिथि गृह में राजकुमार के निवास के प्रबंध कैल गेल है। स्वयं महाराज काल भोरे रंगशाला में आपसे भेंट करी हैं। अच्छा प्रबंध है दाऊ भैया। हाँ, हम अतिथि गृह में थोड़ी का आराम करके फिर नगर के शोभा देखे चलो। जरूर, आप चली चला सारथी।
राजकुमार कृष्ण के जय। 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 आ गई कृष्ण के हमार बेटा आ गई। हाँ हमार बेटा आ गई। हमार कृष्ण आ गई। का पागलपन कर दारू? पागलपन ना, हम ओकरा एक बार भर आंख देखे के कोशिश कर रहल हैं। जन्म से अभी ले ओकर मुंह भी न देखनी और कंस भैया के पास जा रहल बा। मालूम ना वो का करी है। हम नहीं की जानत। हमार भाग्य में फिर ओकर मुंह देखल लिखल भी बाकी ना। ऐसे एक बार हमके बस ए झरोखा से देख लेबे दी। हम चाह के भी तो के उ झरोखा तक ना पहुंचा सकी। वो हमरा पहुंच से बहुत दूर बा देवकी, बहुत दूर बा। भगवान, देखो माई के हृदय के कैसन परीक्षा ले रहल है, कैसन परीक्षा ले रहल है। यदि भगवान पर विश्वास कर लो तो ओकर शक्ति पर भी विश्वास करा। देखना रहा लो, ये कितना बड़ा चमत्कार है। कंस के नगरी में कृष्ण के जय जयकार हो रहा है। कृष्ण के जय जयकार हो रहा है। कृष्ण के जय जयकार हो रहा है। अब चला चल। राजकुमार कृष्ण के जय। 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 राजकुमार कृष्ण के साथी रथ रुका। एक दिन दुखी होके हम महामुनि गर्भ से ही पूछे गए रहे कि कौना श्राप के कारण हमके इस जीवन में ऐसा काम दिहल कहिल है कि आपन रोजी रोटी कमावे खातिर हमके
हर दिन फूल के माला बना के पापी कंस के गला में डाले के पड़ रहल बा। तो वहां के कहले रही हमार पाप कर्म समाप्त हो गए हो और हमार कौनो पुण्य कर्म उदय होके वाला बा। हम यही हाथन से एक दिन जगत के तारनहार श्री कृष्ण के गला में फूल के माला पहिराए। आज उनकर बात साच हो गई, हमार जन्म सफल हो गई प्रभु, हमार जन्म सफल हो गई प्रभु, हमार जन्म सफल हो गई। उठी, हमार जन्म सफल हो गई। उठी, आज से हम खाली आप ही के हाथ से बनल फूल के सुंदर माला पहिरब। प्रभु प्रभु राजकुमार कृष्ण के जय, राजकुमार कृष्ण के जय, राजकुमार कृष्ण के जय। कहवा गईल होई, कहवा गईल होई भैया, ओकरा सीधे राजमहल में ले गईल होई हैं। भैया भैया का कही है ओकरा से, का करी है ओकरा संगे, का करी है ओकरा संगे। देवी हमके लागत था जे आकाशवाणी भइल रहे, ओ आकाशवाणी के याद कर देवी, याद करा, चिंता के अंधेरा से निकला आशा के सवेरा होखे वाला बा, आशा के सवेरा होखे वाला बा देवी, होखे वाला बा। महाराज की आज्ञा बा, आपके सुख सुविधा में कोनो कमी ना रहे, ऐसे आप कोनो भी इच्छा व्यक्त करने में संकोच मत करी, चारों ओरी सेवक हर घड़ी उपस्थित रही हैं। महाराज के हमरा ओरी से धन्यवाद कह दी है जी। सुंदर का आवभगत हो रहल बा, लगता कंस कोनो गहरा चाल चल रहल बा। कुछ आ गया? अभी कुछ ना, जरूरत पड़ला पर बुला ले। जी जरूर। स्वामी विशेश्वर, अपन कुछ और लोग भी बाड़ा नहीं जा? दो लोग और बाड़न, विशाल बगीचा में माली के काम कर रहल बा, और नरोत्तम रसोई घर में बर्तन धोवे के नौकरी कर रहल बा। बहुत अच्छा बात बा। हाँ। नरोत्तम से कहिया कि वो रसोईया पर नजर रखस, कहीं वो भोजन में कुछ मिला न देवे। स्वामी यही खातिर ओकरा के वहां रखल गेल हा। दाऊ भैया अखरूर जी तो अपन काम में व्यस्त बाड़न, चली हम लोग चल के तब तक रंगशाला देखावत है, देखी तो कि कल के उत्सव के कैसे तैयारी चल रहा है। आप अकेले जाइब? हाँ। ना ना वहाँ गल ठीक नहीं खे, वही जगह दिव्य धनुष रखल गई है जेकर कल पूजा कल जाए। इस समय कंस के सैनिकन के पूरा तरह से पहरा है वहाँ। सैनिकन के पहरा है तो कौनो बात नहीं खे, हम दोनों दूर से ही होकर दर्शन कर ले। काहे अक्रूर जी? हाँ इनका से कही ना कि हमार चिंता मत करें। तू चिंता मत करा विश्वेश्वर, इनकर रक्षा के भार हम लोगन पर ना, बल्कि हम लोगन के रक्षा के भार इनका पर बा। चली दाओ भैया चला।